उत्तराखंड टन्नेल्लो चिक्कुकुपोयिन कार्मिकुलकु बयटकु तेच्चेंदुकु रेस्क्यू आपरेशन कोनसागुतोंदि पोस्ट रेस्क्यू याक्षन प्लान सिद्धंगा उंदन्नारु उत्तरकाशी एसपी यदुवंशी सोरंगं नुंचि बयटकु वच्चिन कार्मिकुलनु ग्रीन कारिडार द्वारा चिन्यालिसौर्लोनि टेंपररी हास्पिटल्कि तरलिस्तामनि चेप्पारु अवसरमैते ऋषिकेश्कु तरलिस्तामनि तेलिपारु पता चला कि एक जो लैटिस गर्डर होता है आयरन का जो लोहे का जो पाइप होता लोहे का जो बहुत मोटा कॉलम होता है वो आ गया है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी उसको काट दिया गया है अभी तो इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं अगर नहीं आते हैं आगे 12 मीटर की ही ड्रिलिंग करनी है तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया आज चूंकि आप कप्तान हैं क्या निर्देश है आपका पुलिस बल के लिए पुलिस ऑफिसर्स के लिए अगर आज रेस्क्यू होता है जिसकी संभावना है देखिए जो हमारा जो एक्शन प्लान है पोस्ट रेस्क्यू जो है वो हमारा पूरा तैयार है और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर ली हैं कहाँ लेके जाना है कैसे लेके जाना है उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए ले जाएंगे पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही ले जाएंगे तो सभी को ये निर्देश है कि पूरी मुस्तैदी से काम करना है और एक मिनट इम्पॉर्टेंट है उनकी जो लोग फंसे हुए हैं और उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो होगा वो हम सब हर जगह ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कहाँ तक ले जाना है देखिए अभी ये मुझे चिन्यालीस और तक ले जाएंगे जहां तक है लगता है हमको तो वहाँ कितने बेड का आपने अस्पताल तैयार करवा रखा है देखिए इस बारे में डीएम साहब ज्यादा बता पाएंगे आपको भी कितने बेड हैं बट उसमें बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज हैं और जितने ट्रैप्ड हैं उन सबके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज हैं पहले सबको चिन्यालीस और लेकर जाया जाएगा जी उसके बाद जरूरत हुई तो आगे ऋषिकेश ले जाया जाएगा जी अभी खुद यहाँ आप मौजूद हैं क्या सूबे के मुख्यमंत्री आने वाले हैं जी हाँ अभी कुछ वीआईपी मूवमेंट्स की उम्मीद है जनरल वीके सिंह साहब भी आ रहे हैं मॉर्थ के सेक्रेटरी भी आ रहे हैं तो उन्हीं